विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट का मामला गरमाया हुआ है। दिगंबर अखाड़े के सचिव बाबा हठयोगी सहित धर्म नगरी हरिद्वार के साधु संतों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। बाबा हठयोगी ने कहा कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलना सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं पर कुठाराघात है। भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं, इसलिए वो आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल वहां बनने वाले प्रसाद की उच्च स्तरीय जांच की जाए। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह से जिस तरह से मतलब रिपोर्ट आज तक पर देख रहा था, मैंने देखा 350 रुपए घी और वो भी गाय का कहां मिल जाएगा। तो ये तो जो वहां की प्रबंध समिति है उसको सोचना चाहिए। और जब भक्त लोग उसका मुंह मांगा दाम देते हैं, आप 2 लड्डू से ज्यादा देते नहीं है, इतनी आपकी वहाँ सेल और परचेजिंग है, तो आप उसमें शुद्ध चीज को नहीं लगा रहे। मैं तिरुपति ट्रस्ट को सुझाव देता हूँ कि कम से कम वो जो तिरुपति जी में अपने लड्डू बनते हैं और गाय के घी का नाम का लेते हैं, अपनी जो हजारों यानी 3000 करोड़ रुपया हर साल जहाँ आता हो, जहाँ सरकार लूट रही है हिंदू मत मंदिरों को और उनसे पैसा ले रही है, तो कोई ऐसी गौशाला का निर्माण क्यों नहीं कर सकते हैं, इतना घी उत्पादन क्यों नहीं कर सकते हैं।